गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज नई कोपलें फूटती हैं, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। नमस्कार, आज फिजी के देनराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, माननीय महामहिम रातु विलियम कातुनेवेरे जी, राष्ट्रपति फिजी रिपब्लिक एवं भारत सरकार के विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, सभागार में उपस्थित फिजी एवं भारत के मंत्रीगण, सांसदगण, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगणों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। विश्व भर से पधारे हिंदी जगत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, भाषाविद, कवि, पत्रकार, मीडियाकर्मी तथा उपस्थित अन्य सभी अतिथियों का मैं अनुराधा पांडे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित देश फिजी के नांदी शहर के देनाराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं अलका सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिष्ठित मंच को गरिमा प्रदान कर रहे फिजी के महामहिम राष्ट्रपति विलियम कोटनीवेरे, भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि, हमारे साहित्यकार, भाषाविद, हिंदी सेवी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सीना बुला विना का नमस्कार। इस गरिमा मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कार्यक्रम का शुभारंभ हम दोनों देशों भारत एवं फिजी के राष्ट्रगान से करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों देशों के गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय गानों का अभिवादन करें तथा इसमें भाग लें। इसी क्रम में सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान होगा। और अब इसी क्रम में हम लोग अपने स्थान पर बने रहें और फिजी का राष्ट्रगान उसे अपना सम्मान प्रदान करें। Thank you.
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस राष्ट्र के मिट्टी, पानी, आकाश, हवा और अग्नि से हम बने हैं, उन पांचों तत्वों का हमने अभी अभिनंदन किया और राष्ट्र के प्रति अपना आभार ज्ञापन किया। इसी क्रम में हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं एक उस परंपरा से जिसमें हम दीप जलाते हैं और अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। शब्दों में कभी न खत्म होने वाला प्रकाश होता है। शब्द तमस को हर कर ज्योतिर्मय कर देते हैं। इनसे मिलने वाला ज्ञान अक्षर है, कभी न खत्म होने वाला। इसी के प्रतीक स्वरूप मंच पर आसीन फिजी के महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत के माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया दीप जलाकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि जायत हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति रही है किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हम उस परम शक्ति की आराधना करते हैं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी को, जो कि आचार्य ज्योतिष विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हैं, और उनका साथ देंगे उनके शिष्य श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री जी। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ वैदिक मंगलाचारण कि वो यहाँ पर वैदिक मंगलाचारण प्रस्तुत कर सभागार को दैदिप्य करें। हरे ओम। स्वस्ते न इंद्र बृहदश्रवा स्वस्ते न भूखा विषव वेदा स्वस्ते नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ते न बृहस्पते ददातु प्रेखदशवा मारुतः प्रश्निर्मातरः शुभंग्यावानो भेदधे खुजगमायः अग्निर्जेवा मानवः सूरचक्षसो विश्वे भदरंकर्णेभिः शृणुयाम देवा भदरं पश्येमाक्षवीर्यजतराः स्थिरैरङ्गे सुष्टुवा वंशस्तनोभिर्यशेमहि देवाहितं जदायुः हरिः ओम। वैदिक मंत्रों के बाद अब मैं प्रोफेसर विजय कर्ण जी नालंदा विश्वविद्यालय एवं प्रोफेसर परमानंद जी से अनुरोध करूंगी कि वे लौकिक मंगलाचारण प्रस्तुत करें। खरव स्थूल तनु गजेंद्र वदन लंबोदर सुंदर मुखे ते तामोला
आरंभोयम् शुभाय भवतु। बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन के ये वैदिक मंगलाचरण, लौकिक मंगलाचरण हम सब के लिए शुभ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई दोनों देशों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भारत की संस्कृति में हम सबसे पहले गणपति की वंदना करते हैं ताकि निर्विघ्न सभी कार्य संपन्न हो जाएं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं ताकि सारे जगत में, समूचे जगत में सुख और शांति बनी रहे, कायम रहे, बिल्कुल उसी तरह से फिजी की भी एक बड़ी खूबसूरत परंपरा है और वो है सेवु सेवु समारोह। आप फिजी के निवासी, हमारी अदृश्य शक्तियों को, नैसर्गिक शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को उनका आह्वान करते हैं और उनका आह्वान करते हुए ये कामना करते हैं कि स्वास्थ्य, सुख, शांति हमारे सभी अतिथियों को मिले, इस समूचे विश्व को मिले। इसी कामना को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कितनी ज़बरदस्त इच्छा के साथ इसे रखा जाता है, यह इस कार्यक्रम का एक बहुत ही भव्य और विशेष अंग है जिसके अभी हम साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं मंच सौंपती हूँ सेवु सेवु कार्यक्रम के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का ध्यान चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि ये जो परंपरा है इसमें उन शक्तियों का आह्वान करते हुए जिन पर हम ये विश्वास करते हैं कि वे दुनिया को सुख और शांति, स्वास्थ्य दे सकती हैं, उनका आह्वान करते हैं और फिर एक तरह का पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे समारोह के दौरान जितनी संभव हो बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि यह एक तरह की साधना का समय है, तो हम सभी इस साधना से जुड़ते हैं और साक्षी बनते हैं एक अद्भुत अनुभव के। धन्यवाद। दुआ, दुआ, दुआ। Wa mo moriki ina matani tule vo India. Misanga tule na mo mondokai ina matani tule vo India. Eliana watu ni vanua ndi salame ila verige mu mata. Na watu ni vanua, na lenra watu ni vanua. Na ulu ni matani tuavichi, na momo na verestenji ni matani tuavichi. Ina lenrandela ni vanua. Idhau matalevu, enramata na momo na tui maduata, eatani mulatawani. Madhalamu ni kutongame iwarelevu ina watu levu. Enramata na momo levu, ni vanua nanji na momo na tui nanji. Eliana singa ni kuwa, Etam laku dia na tamata, etei tuwa tuwa wakalou, na imatei ni ngauna, melame itara na mbose mbose kwa, ni matani tule vo India, ina lemu, ina pasivika, donia na manjingi, ina vanua vichi, ina muavara ni vanua, ina tomba inanji, ina lenrandanu ndanu na momo alevu na tui nanji, ina ndanu ndanu indena rau. Na viva atala ni matani tu, na viva atala ni vanua, sanya kongi na kemungalovi. Sasoli batangaya na malala ni lemu vingwaravi lemu na vingwaravi la meitar na mbose mbose kwa sasoli batangaya na vanua san dola vya vemu memu teki vunia na kia batu ni ngalovi salami la vemu mata sa zela kia vitu tu kunga balek yevu anra usake rongo ina lemu mata ni tu lebu injia mu mata na momo ndokai ina momo rigitamni
di bisa kasih kena kemunangan bawa turangan. Kemunangan nak kemunangan di penua, nak kemunangan di bebekani, nak kemunangan di maten tu lebo bici. Anu nak kemunangan nak turangan nak ulu ni nanti maten itu. Turangan nak presiden di. Anu nak Delhi penua bawa turangan sakai tau maten lebu. Anu nak cuci cuci nongani turangan nanti maduat. Kemunangan nak itu kutuku nak kena itu kutuku bawa penua sarongo. Ainggalo bisa kau bawa turanga, iwang kau di bawa lele, ikan maroi saka cukup mana ya umbulan di bosa, enaloma ni maten tu lewo India, lutu cukup nak kiri 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 nak tombon jana rawe nama takkan ising kau binakan ikua, kamu nak nak kiri itu kutu kurang rawe binak kasarongo, inggalo bisa kau turanga tak ising kau cukup nana ilagolako, dona ilagolako ising kau di bawa wena nanti tundel ni pun bawa turanga. Doni lakolakoy may lutu na kani kele kele nang donan raw tolu sa ulu ka tolu na yung bagi sa oti. Rambuto maweta ka sa kasukumay. Na ito ko besi ni puno mga turanga, na loma ni maten tuli a windi, na matakan isi ngabin na kanikuwa. May ita ka sa kasukum na kani balabala mga turanga. Roko abiso bagi sa kasukum na itukutuku mga turanga, sa kali ako sa kasukum na pagabinibinak. Kamunangan na kani itukutuku. Ay ingalo abis sa kasukum na wangan ibibang leledi. Pagalele di boleh mai kina, na itu kutugu ni kena maroi na bos, na lama ni mata itu lewe India. Mata isa kacuk ini nanda mata itu, na lama ni wasa Pasifika. Rangkal lama cuka na wangari bi pagalele di angguai na mata kan isi ngabina kan ikua. Akal lewe usa kacuk na pagabini binaka, binaka pagalele una bi pagat turang taki. Mai tegin duru sa kacuk na bukun rana. Itu aku besi ni bingkar abian lama ni mata itu lewe India. Rangkal bisa kacuk na kena kalau usudu tamata na mata kabina kan ikua. Oke na tamata mau tegin duru, mau sovia na kamunanga, mau dingkoma. Mereka pakai mana tak? Karena kena itu kutu kurang orang binaka. Aduh, kau misalkan juga nak moli nanti kau nak pakai binaka. Binaka pakai lembu nabi pakai turang taki. Maroi sekarang juga nanti tolong main maten tu. Karena itu kutu pakai turang sekarang main remba. Karena itu kutu main nengka si gasi. Tetapi sekarang juga nanti turang nanti lilu ini maten itu nak uli nanti maten tu. Walau usah kita mata lembu mata sekarang oleh turang nanti maduat. Aduh, kau misalkan kamu nak karena imbal-imbali. Tiga misa kena kena lalu pakai turang, sama maroi sahaja cukup mikir nala lalu meni penua ini singgil lebih nakan ikua. Sapa kerai sahaja cukup anak kalau misung busa sahaja cukup nak kena bila kalau ngata taki, kalau ngata sahaja cukup nala meni mata itu lewo bici. Rak kalau ngata nak turang presiden di, ralingan gangga sahaja cukup nak kena dari pengerai nak kena mata bosi lawa. Soya awas sahaja cukup nak tangi yang baki. Rak kalau ngata sahaja cukup nak tokani. So kata sahaja cukup menawang kena pengerai nak bukini singgil lebih nakan ikua. Kalau ini nanti pengkerabi kau coba, kamu susukin tamat dari kene buasan nanti lulu tamu dengan Kristus. Mana? Hei, intina, datang bersama ini. Nak kamu nangga sakai lewu, waliu, waliu, waliu. Hei, do, amdo, 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 nangga sak.
mokotuna ni kumaten tule buinjia. Kawarikina bulang indoka ina siroro binani kuwa. Liana batu ni wanu angila mela bicali kikila kato murumata. Watu ni wanua ni maten tule bo bici. Matana mo mona presiden jina nandel ni wanua. Do matelewu. Bola tangan ramatana mo mona tu maduata. Na kia maten tu eto luka luka dua. Rasema ina singa binani kuwa merani maroitia. Ale mubura. Watu ni wanua. Na kia utamara. Lebar teki ni pamamada. Ina singa binani kuwa. Kita kira ni murna sawi yang murlamania. Embalan balik batu ni bawa nak kemuri bawa mama dapat bawa bawa momo. Dela nak kaitu kutu kung kawal leke. Meja bu ian rau. Mata itu lebo enci ay beau kamingi. Kadi bisa kasih guna kemunangan bawa turang, kemunangan nak kemunangan di benua, kemunangan di mata itu, kemunangan di mata itu lebih biji, karena kemunangan saya karena ulu di mata mata itu, walau bisa kasih tahu mata lebu, mata rasa karena orang turang karena timur tuat, kemunangan saya cukup main di nanti mata bos lawa, kalau main di mata itu turang saya karena nanti ulu di mata itu, walau bisa kasih nangkorok berua. Mata orang orang itu orang ratu nanti nampak. Kamu nak sahkan ini mata itu penuh itu lu. Marui sahkan juga kini nanan tandambe. Enam mata kan isinya bina kan ikua. Kini bukan jinjin enam bulan sahkan cuk. Apa lewi nama tu lewu. Orang itu orang nanti nanti. Kamu nak naik berita kini bukan mama tak bukan turanga. Bukan mama tak lagi sahkan cikin nana. Wangga. So kata kita boleh main alam ini sini kerana yang baiki. Kerasa susu boleh main lewana. Kamu susah kecik nak kena lada. Bitar itali sangat sengah main lebih kana. Kena sangat itali cukup membawa tahu ini nak kini kena marui sangat cukup ni awi benua. Saya kue nak bos. Mai tekan dulu sangat cukup nak mata kini kue nak lomban ni. Tombol lebon dia nak rawu mai lutu sangat cukup nak kena keli keli ni bengkrabi. Tekan dulu nak buku ni mata itu lebon je mau tinggal masa cukup nak kemenangan nak kini tuku tuku rong rong binaka. Aitu kuni saka cukini lama ni mata itu lewe wici. Kena marui saka cukini bi baka turang taiki. Jika misa cukina kamu nanga, jika misa cukina moli nanto kana baka bini binak. Jika mi bata nekene baka mama da baka turanga. Kena kena yalo binak lewe. Kena kena itu kutu kubawa banua sa siar kali taiki saka cukini segi lewe binak ni kuwa. Aitu kuni saka cukina mata nanga kamu nanga na bukun rasaka. Nai toko besi ni mata itu lewe indi aranta misa cukina mata nda. Kena kena mata yalo banua. Rapa kau sorong sangat cukup mai, ramaroi sangat cukup mai, ralain uang kau boleh mai, anak buku ni tak kata kau mengkarai bisa cukup nanti dia lebih benua. Aku tinggal bisa cukup nak kamu nangan ikan yang balik-balik. Kamu nangan saya serius sangat cukup menolong ini mati itu lebih biji. Turang saya karena presiden dia nanti mati itu boleh usak itu mati lebu. Mata rasa karena ini turang nanti mau tuat. Kena kena bila mata muda bagai ini rasa ramaroi sangat cukup nanti yang tampil nanti lomba ini mati itu. Ewang dinan dinan bulas agak cukup, nanti tambah nama takkan disinga binakan dikuas. Sabang kerai agak cukup nak kemenangan. Lomba ini mata itu lewo India. Kena kena cukup cukup baka turang. Abang kerai agak cukup nak keluh. Kira misung bus agak cukup nak kena bimba keluh ngata taki. Keluh ngata agak cukup nonton dari benua. Kerai binakan itu tapi nolomba disinga bida saya cukup matanda. Lewo agak cukup nak tahu nol nol kilesu yang aku kita katakan di bing kerai. Rabu binakan agak tu nak kena tapi. Anon dari lulu tamu agak cukup nak Kristo mana. Eh, ini nak saya tambah sekali ni. Nak kamu nak saya kena ya walu 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 walu. Hey, do, am do, am do, do. Nak saya.
Excellency, let me thank our Fijian friends for the very warm traditional hospitality that they've extended to me and my entire delegation, all our colleagues and the entire Hindi-speaking fraternity which has assembled here today. This expression of tradition has been so heartfelt, so warm, so sincere. It has really made us feel very, very welcome in Fiji. So from the bottom of my heart, a very sincere vinaka, a very sincere dhanyavad to all of you. Thank you. Tuku tuku
Ela me isso tu na itukutuku. Itukutuku ni mate ke momo. Na tomba di banu nanji. Kalau ngata tu le mgono ni bilu taki. Ama suba sio ko tu na kalau wer ke tu na dola lende uno bilo mani mana. Kere-kere sa buo parita kisa kain doon na kalilay sa kong. Apakaturang sa katsuko na laman ni Maten Tule Wawichi. Kaya naulo sa kani Bilu Taki. Turang sa kana presidente ng Maten Tu. Amunindeli po na apakaturang sa kaya daw matalibu. At na sa kana ngunit turangan at yung matwata. Ayo! Turang sangat juga nih kenal ni mata mukosilah apa turanga. Turang sangat nih lulu ini matin tu. Walau usah ini nanggur warua. Mata nasa kan orang nih turang naratu nanti nampatu. Kenai bawa wali silesi kenal ni matin tu lebih bicara marro sangat cuma ini. Nawang kapan wani bengkarabi. Kenai tapi bawa matin itu yang nabu kini mata kan isinya binakan dikuat. Arungu sangat juga nih tunggu kini matin tu lebih India. Rendah biasa kat cungai kena itu kebes ni bengkarabi. Rilu tak boleh sakat cungai nak kena pangan lidi sakat cungai nak yang bulan ni penua. Saya kuat nak bos ni penua. Antuk tuku ni kata lagi sakat cungai ide ni penua. Mai lutu sakat cungai kena kele kele. Iwang kena bengkarabi nak tempon dia narau. Non rei cungai cungai buat turang saka. Nangun turang nanti nanti. Rata buat sangat juga nan orang bagai binakai, nan buku ni tak kata kata turangan kerana bisa juga nan mata kau binakai kuat. Nan tak kata ni bisa baik, nan tak kata ni bisa marui. Di sana lo mata rata rosak juga, sarat tegin dulu sangat juga, tegin dulu sangat juga nan buku nra. Mila bisa sangat juga nan kamu nanga. Nan apa kata taruh sih kamu nanga sangat biarkan di apa. Nan kamu nanga sangat kasih ruas sangat juga nan kini tuku tuku. Kamu nak sakat juga nan rabak bini binak, kan? Bukan di bengkara bilau, bina mata kan disinggah binak ni kuah. Kamu nak sakat nan rabak bini binak kata kan? Imbu tu mahu endo nusa kat juga nan matin tu lewe bici, nak kira marui sakat juga nih topun nih pagarau. Marui sakat juga nih kini balap balap kat turanga. Tapi sakat juga nan mati bolu bolu ni bolu nan rabak tu lewe bina mata kan disinggah binak ni kuah. Kamu nak sakat nan rita tau teli sakat juga nih pagaturanga. Anda bukan di songkol lengan-lengan, anda bukan di singa binakan di kuah, anda bukan di bidan di singa cukup matanda. Saya tak pernah biarkan itu betul bukan orang guna. Anda akan biarkan suatu si siang, kita tahu lagi sangat cukup di bukan tak katakan di bengkarabi sangat di singa di kuah. Kalau ini mata tak sangat cukup kami ini itu betul kita tahu ini kamu nang. Kita tahu lagi sangat cukup ini antara wangka. Saya antara orang tulu sangat bulu ketul lembah kita kena lucu sangat cukup anda memenuhi mata sah. Jadi kerusakan lembah kita kena sokot lagi sangat cukup mai. Nah itu kutu ini umbul ini puasa, mai lutu talian nomini mata sah, mungkin ini sebu, nanan tematen itu, enak lomini Pasifik. Lebih sakit juga nanti Hindu Hindu Isai luar, sakit juga nanti lomini maten itu. Satu lagi sakit juga nanti maten itu lebih India. Tumbera sakit juga nanti kena kamu nanga, kita tahu lagi sakit cukup, ini kena kaum bula. Bersama Rui sakit juga nanti nomini Delhi pun awak turanga. Rangole sakit cukup mai nanti matakan isi kebina kini kuah, ramuri mawel lebih sakit cukup mai. Ramuri sakit cukup mai kini kau benua. Kena kianan ra, wilele di resama roi sangat cukup nomin detail di bunuh buat turanga. Kena kamu nang usah lah, bisa sangat cukup. Tato negi sangat cukup di bengong lebih nak sangat cukup matan. Ambal balau sangat cukup di tugu tugu di kamu nang. Kamu nang ini maten itu, kamu nang ini maten itu lebih India. Rantai bisa sangat cukup di kena itu kau besi di bengkarabi. Rantai bisa sangat cukup di kena matewan. Mungkin ada mata mau tegin dulu tak sangat cukup di tugu tugu di kamu nang. Apa kau nak kita lihat sengaja kita nak bawa bini-bini kan di maten itu? Siapa yang kerasa kan juga nak lomai di maten itu lebih bici? Ulu sengaja nonton maten itu, turang sengaja presiden di. Walau sengaja itu mata lebu, mata nasa kan orang itu turang itu maduata. Kena kena mur lebu sosorai ke ya tu.
Adi bisa juga nak kamu nak bawa turang nak bawa tu sahaja nyebun warna ulu sahaja nonde ya betoki. Tapi di sana kena itu kutu kui balik warna tapi sahaja juga nak wanita turang nak presiden ni netam sahaja nyebun obi ti nol nyebun obi lebu nyebun kerabi. Enam nanti penuh. Tapi di sana tali cengang mati itu nak kena lingan nyebun kerabi. Ia tu marah lagi nyebun kerabi sahaja tu saka. Enam sahaja saka intai. Enam buzani ni beta baki. Wabunua, berusaha nak wanita turang na mata rembasi kasar cuma ina bukan di wabunua India, saya cuba sangat nyisih ni ku. Kena itu saya bawa turang ai dalam mati lebu berusaha nak wanita turang. Tahu kini pola tengah ni, nanti matuat. Wanita turang ni lulu sangat ni mati ni tu. Korwarua birasakan awan itu orang ratu nak kian itu kei. Usaha buta saka cengah nama tin itu puno itu lu satu kuti kenta pati kumbuna birasakan awan itu orang na undi balot di kamar. Pun bersama. Birasakan awan merambal orang tu nak kian awan itu orang na undi balu. Matin itu biokani biloman yang dah buka tampil lu tu nama tin itu sarat tobat. Kamu nangan sabo kamu matin saya saka cumai. Ayo bangun malu saka cukup ni singa indah-indah nak kianan raki kena kianan pengen kerabi. Saya tahu nak saka tali cengah ni lawa lako. Maka biasa bawa turang saka ambasi saka tali cengah ma itu saka naik tayi bisa bawa menang kerabi. Sana lumi misa sumber rau saka naik tahu ni singa indah-indah. Nak kianan kopi saka cengah naik bal-bal bawa bonua. Ini pun obiti. Itu indah saka tunggakan dia saka cukup bawa batu. Gua misa saka cukup nak kamu nangan rokok bagian untuk kain nak kianan bal-bal. Kerana bisakan di sini indah-indah. Satu nabi akan di Makawa, nampun asal India. Kena pun awak turang awak bici. Ini tu indah satu nak kena bal-bal. Rembasi kasar kacau main. Mati nampun awak India. Dosa kan orang risau sebu. Dosa kat dalam anak kamu nangam. Berhenti sih kasar kacau ni rokok butuh nampun awak bici. Kena kena bal-bal. Ini bal-bal. Ini bila turang tak kisah bawa bini bina atas saya cukup beliau. Indah satu ngapa kapa tu nampun tapi akan yang bawa nangam ni salah. Sambu kisah kacau kini. Nauzu ini kamu nangam apa tu sakan nampun awak kena buku nampun bawa rita kasar kacau. Biokan ini saat itu nak kena maliwa. Mewira nak kena rali usah kemain. Singa saka indah-indah rembas. Singa cuma nak kena mata merah. Bukan dia cengah ni. Biokan ini saat itu pernah. Salah betul nak kamu nangan kena itu tu kubuah saka non tak kelumbula. Sumbu saka tiga non apa dia mungkin non lebih pak kalau ngat lagi. Kalau ngat saka cuka nak mata rembas. Singa saka cuma nak singa indah-indah. Kena itu saka baturang kemain dia. Kata saka kemain. Non tak lo malangi. Merah mai bukan dia saka cuka ni pun wanita singa ni kuasa. Rentampe saka cuka wanita orang presiden di. Tapi saya kata lecunga nak kian lebih akan nanti ko saka. Angon itu ranga itu kei kei dapat tulen pun angon itu ranga. Itu nanti. Kena kian lebih akan ni bukan rah. Satu ko saka nanti tay. Kalau ngat saka cikun sih ngabi tay satu ko menama itu tay nak kian itu tayin deh bawa bawa saka cikun anon tapi akan ni rah tu bawa pindah kan ini nak ini. Namun yang bahasa kata saka cikun masih ngain tay tay. Satu saka tu nak penuh enak loma. Kaya nanti lili bawa saka cikun mantangau Yesus Kristo. Mana? Dina. Tampak sangat mantap. Kamu nangis sekali lebu kaliu 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 kaliu. Wei do, amu do, do, amu do, do, nangis sekali. Sawa momo ina matani tu injia. Mu matariki na bulang indokai. Gisale batala me na matani tu ibici. Ina tamani wanua. En ramata na momo na beristenji. Ina lendendele ni wanua. Iza umatelevu en ramata na momo na tui maduata. Na kiandele ni abutete langi. Imbola tawane na singaniku. En ramata na momo na bereminista ina gorobarua. En ramata na momo na tuina batu. Gilebata la mi were lebu ina batu lebu. En ramata na momo lebu na tuinanji. Gilebata la mi were lebu kumbuna en ramata na momo na buni balu tui kamba. Were lebu imbure masanga lende nono na leo tu lebu na rugu tu ndekeji na momo na buni balu.
namata ni tungu angwa na tobata na ke alolo ni masiva esame duku ngalu ngara same vota mate inai tavi mera me ngora viatu ndele ni bono ibichi raramba me adube na singa ni kwa arukotai nangona nji tulenga ke duba tamba ibu arundu kanduma michime ko bare one singa ni kwa sauchi na kendeli ngau na ken century ame ngora bi kena vaka vaka ni lobo lobo visukaki atetere lengo na mateni tumemu me ko bani kwa memu tume bolang to kai lengo na mbose kwa sami lave na batu ni bona le muri tatau sami bata ke le na batu ni bonua sane kongi na ke muri ba suka na iba tale ina singa ni kwa ne tatau ra kona tungu angwa mirige ile suna singa ni kwa urukani tabira kina na moro moro murula urukau tobo merende ko tanabi ba kalonga tataki na banovichi merende ro ke na kalonga tan singa roa roa ombola tangane sa ko ko bana singa ni kwa na le azina sa teke bunre me pata ke ibi chingane bura bura sewa ve na tawane sewa ve osiro me bue chana mata ni tu me ngorabe na itabi na singa roa roa isa banu ni la na patuni banu sewa ge bela bina singa ni kwa uru ke loma ni ana ke tuku tuku e reo me na bindele na bomo sa uru ke tuku tuku e dele nga pale ke na lingu mata ni tu injia ina momo ko yangi Kadi bisa kacuk nak kemunangan bawa turanga, kemunangan nak kemunangan ibu nua, nak kemunangan nak kini tugu-tugu bawa nua sarongo, sama roy sakit kena nanti ambil nasi ngapin nak nyukua, kemunangan ibu kata lebawa turanga, sirap bawa turanga sakit cukup mena lomai nimatin tuh ibu lebawa bici, kena cukup-cukup bawa turanga, kena ulu sakit ibu lutaiki, pai lebu sakit itu mati lebu mata nasa kena ngone turanga nanti umatuat, nak kemunangan sakit cukup nak bunuh nak bawa tu lebu. Ngone turang na tinanji. Ni kena mate bolu bonu rasa marro saka juga na bonu bici ni singa binakani kuwa. Akali busa juga na babini binak. Sai tinggo misa juga na kamunangan ni kenim balembali. Tu kalungat saka juga na turanga. Kalungat saka juga ni lagu-lagu lu sian lomba ni mate tu lewo injia. Marro iken tu saka juga na itu-itu ni kamunanga. Engka soe tiket tu binak saka juga na kenawa. Marro iken tu babinak saka juga na ken itu-itu. Metapa saka juga na itai bena lomba ni singa tolu juga matanda. Rintang tahu marro esak juga entah nak, merubis oli esak juga nama tentu beti di nerua, entah mana bingung nabi nak saya juga matang. Salah esak juga nak kamu nangga bukan kelumbula, kirim semua esak juga nak nabi bawa kelungat tetaki, kelungat nama tentu beti di nerua, kelungat nai cukup bukan turanga, kelungat nama tentu bunu etolu, lebu juga nabi bingung nabi nak nak nama marro juga nabi kau tematen entah mana maten itu, tangga bawa nak juga entah mana nak nama marro esak juga nak nabi. Tapi turlinga tak sakat juga ini merdeka ini tapan yang baiki. Dari sakat juga naik cukup bukan turanga. Saya non dari lulu tamu tu sangat nak Kristo mana. Hei, ini na. Saya tambah sakain. Nak kemurangan sakain lewu, waliu, waliu, waliu. Hei, do, amdo, amdo. Nak sak. Thank you.
बहुत ही अनूठी परंपरा और बहुत ही अत्यंत मनोरम दृश्य था यहाँ पर। एक बार ज़ोरदार तालियां मैं चाहूँगी बहुत ही सुंदर सेबू सेबू परंपरा के लिए। धन्यवाद। हिंदी केवल अभिव्यक्ति की भाषा नहीं है, हिंदी एक राष्ट्र है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। हिंदी के विकास का मतलब है एक मौलिक सभ्यता का विकास, मौलिक संस्कृति का विकास, एक राष्ट्र का विकास। हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना की गई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में 1975 को संपन्न हुआ था। भारत के नागपुर से शुरू हुई विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा का ये 12वां पड़ाव है। इस 12वें पड़ाव पर विचार मंथन के लिए बहुत ही सार्थक विषय को चुना गया है। विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। कई शताब्दियों के सफर तय करने के बाद विकास की अनेक मंजिलों को पार कर नए स्रोतों से शक्ति संचित करते हुए आज के युग में भी समृद्ध हो रही है हिंदी। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का विकास भाषा के क्षेत्र में एक नया विहान है। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं फिजी गणराज्य की सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय श्री असेरी रुंद्रांदो जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। The President of Fiji, His Excellency Ratu Wilame Katunibere, External Affairs Minister for India, Honorable Dr. Subramani Jaishankar, other Honorable Ministers, the High Commissioner of India to Fiji, His Excellency, the Acting Permanent Secretary for Education, Mr. Timothy Mbure, members of the Diplomatic Corps, government officials, participants of the conference from various countries, media representatives, Oneturangana Twinandi, ladies and gentlemen. Nisambula Binaka, good morning and namaste to one and all. On behalf of the Fijian government and the people of Fiji, I would like to express my sincere gratitude and welcome you all to the 12th World Hindi Conference. To the participants who are visiting Fiji for the first time, welcome to the beautiful islands of Fiji. Indeed, it is an honor and privilege for Fiji to be the host of this World Hindi Conference, and I must thank the government of India for giving this Fiji this wonderful opportunity. It is indeed a remarkable moment of history in the making for a small Indian diaspora country of ours to be hosting such a big event like this. This event will no doubt be significant in strengthening the bilateral relationships between our two countries. Ladies and gentlemen, Fiji shares a very symbolic relationship with India and has its ties going back to as early as when the indentured system began in Fiji. The Fiji we know today is a result of this relationship, this acceptance and this brotherhood that has allowed the two races to coexist and work together for the common goal of building Fiji. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I honorably welcome our keynote speaker, our chief guest, the President of Fiji, Ratu Wilame Katunibere. Sir, welcome to the official opening of the 12th World Hindi Conference. And your presence signifies the importance that Fiji gives to Hindi. Special welcome is extended to the External Affairs Minister for India, Honorable Dr. Jaishankar, and other dignitaries
who have traveled from afar to participate in this conference. I'm sure quite many of you must have been planning from a long time for this conference. And here we are today to witness the official opening and partake in the three-day conference. After going through the program, I'm glad to find that there will be knowledge of sharing by Hindi scholars and reputable speakers, which no doubt will further enhance the use of the Hindi language in our nation, Fiji. As the Minister for Education, I'm honored to welcome you all, as the Ministry of Education is the leading ministry in terms of learning and teaching of the Hindi language in Fiji. This World Hindi Conference will surely motivate teachers and Hindi scholars from Fiji who are taking part in this conference. The support from the Indian government to Fiji through the Indian High Commission in Suva has always been there, and I thank the current and previous High Commissioners for these great relationships. Ladies and gentlemen, I am certain that the next 3 days of the 12th World Hindi Conference will be a great learning experience for all its participants as you deliberate on the theme, Hindi, from traditional knowledge to artificial intelligence. Your attendance demonstrates your dedication to the task in hand. Having said this, I invite our friends who have traveled from other countries to not only participate in the conference, but to also enjoy the great Fijian hospitality. I request the participants from Fiji to become good hosts and provide the support to all our esteemed guests. Without further ado, respected sirs and madams, I once again extend a very warm welcome to you all and hope the set objectives for the conference will be accomplished. Thank you, and Vinak Bagalip. Thank you so much, Honorable Sir. And this is not just a participation, but the enjoyment that we are going to carry with us. Thank you so much once again. Ek lamba arsa, 1975, January 10 se 14. भारत के इतिहास का वह दिन जब नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया और उससे लेकर के वो यात्रा आज 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी तक आ पहुंची है. इसके बीच में है एक बड़ा गहरा समुद्र, प्रशांत महासागर. जाहिर सी बात है, इस नाते इन दोनों देशों के बीच में तरलता भी है, गहराई भी है और पारदर्शिता भी. बारहवें हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना के लिए भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी को आमंत्रित करते हुए यह बताना चाहती हूँ कि आप अग्रणी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. आपने युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सतत विकास के प्रबल पक्षधर श्री वी मुरलीधरन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा प्रणाली, रोजगार के अवसरों के सृजन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से भी गहरे जुड़े हैं. भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी से अनुरोध है कि वे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना को हमारे बीच में रखें. आदरणीय मुरलीधरन जी. ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी रातू विलियम खटोनी बेरे, Honorable Deputy Prime Minister Professor Biman Prasad Ji, Minister for Employment, Productivity and Industrial Relations Honorable Agnidev Ji, Minister of Education Honorable Azeri Randrodro, Minister for Multi-Ethnic Affairs and Sugar Industry Honorable Charanjit Singh Ji, Bharat ke Mananiya Videsh Mantri Shri Subramaniam Jaishankar Ji, भारत के गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, भारत और फिजी के सांसद मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिगण, सभाकार में उपस्थित
विद्वत जन और हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, नमस्ते, निसाबुला सुप्रभात। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, यह कामना करता हूं। एट द आउटसेट लेट मी कंग्रेचुलेट द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ फिजी। माय सिंसियर थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर एग्रीइंग टू organize this conference in Fiji. I am sure that this will definitely help strengthen the long-standing historical and deep relations between India and Fiji. Fiji mein Hindi ke liye urvar bhumi dekh man harshit hota hai. Yeh atyant gaurav ka vishay hai ki हिंदी की सहोदरी फिजी हिंदी 1997 से ही फिजी की आधिकारिक भाषा है। वर्ष 2020 में यहां पहला क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसे फिजी सरकार के शिक्षा, विरासत और कला मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। हिंदी के प्रति फिजी वासियों के इसी अनुराग हमें फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने को प्रेरित किया है। साथियों, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मॉरिशियस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड जहां फिजी की तरह भारतवंशी समुदाय के काफ़ी बड़ी संख्या में है, वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन पहले ही आयोजित किए गए। 1975 में नागपुर से आरंभ हुए इस उत्सव ने 48 वर्ष की यात्रा में 11 पड़ाव पार किए गए हैं। मॉरिशियस में अभी तक 3 सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जहाँ वर्ष 2018 में आयोजित 11वें सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया कि 12वां सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाए। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने तथा फिजी सरकार ने इसके लिए सहमति प्रदान की। यह भी सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में यह तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है। मैं समझता हूँ कि 3 दिन का यह सम्मेलन निश्चित रूप से हिंदी के प्रति प्रेम व उत्साह का संचार करेगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों की संकल्पना हिंदी को भावनात्मक धरातल से उठाकर व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए की गई है। साथ ही यह भी बताना था कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं अपितु आधुनिक ज्ञान विज्ञान से को अंगीकार करके अग्रसर होने में सक्षम भाषा है। वर्तमान सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसी संकल्पना को पुष्ट करता है। द थीम ऑफ दिस 12th कॉन्फ्रेंस हैज बीन डेजिग्नेटेड एज हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की में समृद्ध विरासत रखता है। एस्ट्रोनॉमी से इंजीनियरिंग, मेडिसिन से मैथमेटिक्स तक हमारे फोरफादर्स के योगदान को पूरी दुनिया बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्ञान की एक नया विधा है और भारत इसमें भी बहुत तरक्की कर चुका है। भारत के टेक्नोक्रेट्स ने इस दिशा में अपनी कॉम्पिटेंस को साबित कर दिखाया है। यह विकास में हिंदी साथ चल रही है। इस सम्मेलन की थीम को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
आज यहाँ इस उद्घाटन सत्र में फिजी सरकार द्वारा इस सम्मेलन के स्मृति चिन्ह के रूप में एक डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ सम्मेलन स्मारिका, फिजी की पुस्तक फिजी का हिंदी साहित्य एक संचयन, विश्व हिंदी सचिवालय का विश्व हिंदी पत्रिका, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की पत्रिका राजभाषा भारती के सम्मेलन विशेषांक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सम्मेलन विशेषांक गगनांचल और NIOS की आरंभिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारत एवं अन्य देशों के हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन का एक आयाम फिजी में एक भाषा प्रयोगशाला की स्थापना है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज द स्टार्टिंग ऑफ ए हिंदी ऑफ ए लैंग्वेज लैब इन फिजी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह लैंग्वेज लैब भारत सरकार की ओर से फिजी के हिंदी प्रेमियों को एक उपहार है। इस प्रस्तावना में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने इस सम्मेलन के विषय इस प्रकार चुने हैं कि हिंदी की पारंपरिक ज्ञान परंपरा से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से मनन व चिंतन हो सके, ताकि आने वाले समय की चुनौतियों का समाधान हम अभी ढूंढ सके। मैं आशा करता हूँ कि इस मंथन से हम एक सार्थक सार संग्रह कर पाएंगे जो हिंदी का वैश्विक धरातल पर सुखद सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से हम न सिर्फ हिंदी के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक संदर्भ से जोड़ेंगे, अपितु आने वाले समय में कृत्रिम मेधा को साथ लेकर हिंदी का बेहतर प्रवास प्रसार करेंगे। हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की दिशा में आप सभी के प्रयासों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए समर्पित मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी से अनुरोध है, आग्रह है कि वे आज के इस विशिष्ट अनुष्ठान पर सभा को संबोधित करें। इनका योगदान हिंदी के प्रति इतना ज़्यादा रहा है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में आपकी अहम भूमिका रही है। जब से आपने पद संभाला है, इसमें बहुत ही हम विस्तार देख चुके हैं और इनका स्वागत मैं इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी। पढ़ो उसे जो झलक रहा है इनमें तेज प्रकाश, इनके रोम रोम में अंकित है इनका इतिहास। माननीय मंत्री जी श्री अजय कुमार मिश्र जी। भारत और फिजी सरकार के सहयोग से आयोजित हो रहे इस बारे में विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति फिजी रिपब्लिक, कार्यक्रम के संयोजक, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, फिजी रिपब्लिक के सभी सम्मानित मंत्रीगण, मेरे साथी श्री पी मुरलीधरन, आए हुए सभी सम्मानित सांसदगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी डेलीगेट्स, पत्रकार और छायाकार मित्रों, जैसे अभी आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को सुना, इस विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य जहां हिंदी के प्रचार और प्रसार के साथ भारत की संस्कृति के विषय में पूरी दुनिया की जानकारियां बढ़ें और विश्व कल्याण में उसका उपयोग हो,
यह एक प्रमुख उद्देश्य है। वहीं जैसे आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति सदैव विश्व के कल्याण की रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी लगातार अपने कामों से उस संस्कृति का दर्शन भी पूरे विश्व को करा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी भारत की आवश्यकता होती है, जहां कहीं कोई देश या समुदाय संकट में होता है, वहां पर भारत की सरकार अपने प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी और उनकी टीम के साथ सदैव सहयोग करती है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही हमारे देश के एक विद्वान पंडित नारायण शास्त्री ने हितोपदेश में इस पूरी दुनिया को गांव से भी एक छोटी इकाई का रूप दिया था। उन्होंने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया एक परिवार है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि फिजी, मॉरिशस, गुयाना, ऐसे बहुत सारे त्रिनिदाद, ऐसे देशों में अन्य कारणों से भारत के लोग आए, लेकिन सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत की परंपरा थी, व्यवसाय की दृष्टि से, भारत की संस्कृति के विस्तार की दृष्टि से देश के लोग हमेशा से प्रवास करते रहते थे। और उस प्रवास के कारण पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को एक नई पहचान मिली थी, जिसमें सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संत निरामया, सभी का कल्याण हो और विश्व में सब लोग अच्छे से रहें, इस दृष्टि की जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भी हुआ और हिंदी के प्रति लोगों का अनुराग भी बढ़ा। निश्चित रूप से उसमें हमारे प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। पूर्व में भी जैसे हमारी सब जानकारी है, आप सब इतिहास के विषय में जानते हैं, भारत से लेकर के अरब देशों से होते हुए फारस, यूनान, यूरोप, रशिया और यूरोप के अनेकों देशों में भारत के लोग गए और आज उन सब बातों को हजारों वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रत्येक देश की भाषा का यदि आप वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की विभिन्न भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं हिंदी सहित, उनके कोई ना कोई शब्द आपको उन भाषाओं में मिलने लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से अगर आप देखें तो फिजी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश जहाँ भारत के हमको आयोजन में उन्होंने सहयोग किया, वहीं इस देश का जो इतिहास और परंपरा रही है वो सदैव से इस प्रकार के देश में रही है, जिसने हमेशा भारतीयों का सहयोग भी किया है और भारत के लोगों ने यहाँ सम्मान भी पाया है और भारत के लोगों ने यहाँ पर इस देश के विकास के लिए अपना योगदान भी किया है। इस दृष्टि से भारत और फिजी एक दूसरे के बहुत ही करीबी मित्र हैं और इन सारे प्रवासी भारतीयों की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार और भारत की संस्कृति का विस्तार हो रहा है, उस दृष्टि से भारत की सरकार पहले से ही, अभी हमारा 2023 में ही हमने 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय समारोह किया था इंदौर में, भारत के मध्य प्रदेश में। उसका जो थीम था, वह थीम हम लोगों ने ये रखा था, अमृत काल में प्रवासी भारतीय भारत और दुनिया के अच्छाई के लिए एक विश्वस्त सहयोगी बनेंगे, एक विश्वसनीय सहयोगी होंगे। इस प्रकार से भारतीय प्रवासियों की एक परिभाषा और उनके समारोह को आयोजित करके भारत ने प्रवासी भारतीयों का जो योगदान पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और हिंदी के लिए हो रहा है, उसको न केवल सराहना की थी बल्कि उनका अभिनंदन किया था और उनका आभार भी व्यक्त किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी लगातार पूरी दुनिया में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जहाँ कहीं पर भी किसी देश को कोई कठिनाई होती है, हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकार वहाँ पर रहती है। और उस दृष्टि से आपने देखा होगा भारत की संस्कृति के साथ साथ धीरे धीरे हिंदी का भी प्रचार प्रसार बढ़ा है। अभी मॉरिशस का जिक्र आया, मॉरिशस में भारत ने मॉरिशस सरकार की सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की है। उस सचिवालय में पूरी दुनिया में जिन देशों में हिंदी बोली जाती है, जिन विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जहाँ कहीं हिंदी के विषय में रिसर्च हो रही है, ऐसे सारे डाटा वहाँ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार और
पूरी दुनिया में बिखरे हुए प्रवासी भारतीयों ने किया है। हम देखते हैं इन सारी चीज़ों का जो निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं उनके परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं। आज पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट भी हिंदी में आ गई है। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जो रेडियो बुलेटिन होते हैं उसमें भी हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी ट्विटर, फेसबुक ऐसे अनेकों अनेक जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उसके साथ ही अभी एक AGM हुई थी उसमें भी ये बात खुल करके सामने आई कि एशिया का पहला देश भारत है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं होने के बावजूद भी वो हिंदी में सारी सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों से आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी आधिकारिक 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को बहुत जल्दी स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि जहाँ ये विस्तार बढ़ रहा है वहीं लोगों की हिंदी के प्रति रुचि भी बढ़ रही है और भारत की संस्कृति के प्रति भी रुचि बढ़ रही है। उसी का कारण है कि आज हम देखते हैं कि 40 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई लिखाई या हिंदी में रिसर्च हो रहा है। 600 से ज़्यादा ऐसे पूरी दुनिया में विद्यालय हैं। आप सबको याद होगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब भारत में थी तो हमने एक उच्च दल गठित किया था, उच्च आयोग गठित करके पूरे दुनिया में प्रवासी भारतीयों और भारत की भाषा के विषय में हमने वहाँ पर प्रयास ये किया था कि ये सारी से जानकारियाँ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी की जाएं। और उस का जांच का परिणाम अभी देखने को मिला है हमारी मोदी जी की सरकार आदरणीय जयशंकर जी के नेतृत्व में कि पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिनका किसी न किसी तरह का संबंध भारत से रहा है और उन्होंने भारत और भारत की संस्कृति के विस्तार के लिए अपना समर्पण भाव से जो उन्होंने काम किया है उसमें हमारी भी सरकार, गृह मंत्रालय हमारा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम उनको ऊर्जा देने का काम करें। गृह मंत्रालय ने हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका अभी हमारे साथी श्री पी मुरलीधरन जी ने जिक्र किया कि इस समय पारंपरिक हिंदी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है इसमें भाषाओं का समायोजन कैसे हो, इसके लिए हमारे गृह मंत्रालय ने कंठस्थ का एक ऐप दिया है जिसमें कंठस्थ के साथ लीला ऐप भी हमने दिया है जिसमें कई भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने की भी सुविधा है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक मंत्रा ऐप भी चालू किया है, वचनांतर ऐप चालू किया है, अन्वेषक है और IBMAI वाटसन डिस्कवरी जो एक ऐसा ऐप है जिसमें देवनागरी लिपि में कोई भी दुनिया की भाषा लिखी हो उसको पढ़ा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोगों के साथ निरंतर भारत की सरकार और गृह मंत्रालय ये प्रयास कर रहा है कि भारत की संस्कृति जो इस तरह की संस्कृति है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहती है उसका विस्तार हो, लोगों तक वो पहुँचे और पूरी दुनिया एक बहुत अच्छा, एक सुखमय स्थान बने, एक अच्छा स्थान बने जहाँ सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, सभी लोग शिक्षित हों, सभी के मान और सम्मान की सुरक्षा हो। इस दृष्टि से हम नई नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई ऐसी कठिन चीज़ें जो हम नहीं कर पा रहे हैं वह भी करने की संभावनाएँ बन रही हैं। अभी मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहूँगा, हमारे इसराइल के राजदूत ने हमारे विदेश मंत्रालय को जब संबोधित करते हुए डेविड सारंगा साहब ने बोलना शुरू किया तो वो बोलना उनका अद्भुत था। उन्होंने हिंदी में अपना पूरा लेक्चर दिया और वो लेक्चर उन्होंने इसलिए दिया, दे पाने में वो सफल हुए क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से आज आप दुनिया की किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि भारत का योगदान उसमें और अधिक होना चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियां आज दुनिया में हैं, दुनिया चाहती है, भारत की तरफ देख रही है, भारत एक संभावनाओं के देश में, देश के रूप में भारत ने पूरी दुनिया में स्थान बनाया है।
हमारे माननीय विदेश मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में एक इस तरह का वातावरण बना है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और ये केवल इसलिए नहीं देख रही क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों की मदद की या बहुत सारे समुदायों के साथ खड़े हुए कठिन परिस्थितियों में, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति का दर्शन पूरे विश्व को कराया है। और वह संस्कृति सिर्फ यही संस्कृति है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व के सब लोग सुखी हों, सब लोगों का रहन सहन अच्छा हो, सब लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हो। और मैं समझता हूँ उसमें हिंदी की बड़ी भूमिका हो सकती है, और हिंदी और भारत की संस्कृति निरंतर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। मैं भारत सरकार का एक सामान्य मंत्री होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत की सरकार, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। आप सब जो संकल्प लेकर के इस विश्व हिंदी सम्मेलन में आए हैं, वो संकल्प पूरा हो, ऐसा मेरा विश्वास, भरोसा और आपको शुभकामनाएँ हैं। मैं फिजी रिपब्लिक के माननीय राष्ट्रपति जी को, सभी मंत्रियों को, यहाँ उनकी टीम ने जो सहयोग किया, उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। विविध संस्कृतियों के अध्येता माननीय भारत के गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय मिश्रा जी अपने संबोधन में जिस संस्कृति की बात कर रहे थे, वह वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो स्व से सर्व तक की यात्रा करती है। उसकी झलक हमें मिली। आप कृषक परिवार से आते हैं और ज़मीन से बड़े गहरे जुड़े हैं, इसका भी अनुभव हमने आपके उद्बोधन में किया। आज ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे बढ़ते हुए कदमों को आगे दिखा रहा है, एक मैप बनता जा रहा है, और जिस तरह से पूरी दुनिया जुड़ती जा रही है, हम सचमुच वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब इसी क्रम में भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, आपने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता रखते हैं और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। आपने 38 वर्षों से अधिक के अपने कुशल डिप्लोमेटिक कैरियर के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में ठोस भूमिका निभाई है। आपने सिंगापुर में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रचार किया, तो चीनी शहरों में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं को भी बढ़ावा दिया। इसी कड़ी में यह एक और ठोस कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर मैं माननीय विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। फिजी के महामहिम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी, हिज एक्सेलेंसी रतु विलियम काटोनिवीरे, फिजी के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर बिमन प्रसाद, मेरे मंत्रिपरिषद सहयोगी विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जी, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी, फिजी के मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रंद्रोदो, मिनिस्टर फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स एंड शुगर इंडस्ट्री चरणजीत सिंह जी, भारत से आए हुए माननीय संसद सदस्य, दुनिया भर से आए हिंदी विद्वानों और हिंदी प्रेमियों, मीडिया के साथियों, सभाकार में उपस्थित भाइयों और बहनों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सब मिलकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन आज नांदी में कर रहे हैं। इस संबंध में अपने सहयोगी और सहभागी के रूप में मैं फिजी सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका उत्साह हमें कई रूप में दिखाई दे रहा है। यह हमें फिजी आने
और अपने दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर है. इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू जॉइन यू ऑल एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 12th हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन. आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ फिजी फॉर बीइंग आवर कोलैबोरेटिव पार्टनर इन दिस रिगार्ड. देयर एंथुजियाज्म एंड सपोर्ट इज विजिबल इन सो मैनी वेज. इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी ऑफ अस टू विजिट फिजी एंड प्रमोट आवर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप. विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन में स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं, उसके वैश्विक उपयोग और प्रचार प्रसार पर रहे. वास्तव में यही वो विषय हैं जिन पे अगले कुछ दिनों में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा. हम फिजी और प्रशांत क्षेत्र तथा गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिनेमा और साहित्य के हिंदी पर प्रभाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इन सब के साथ साथ हिंदी का अध्यापन और इस संबंध में हुई प्रगति पर भी बातचीत होगी. साथियों, हिंदी एक ज्ञान परंपरा है जिसकी अभिव्यक्ति का वैश्विक प्रभाव हमें साफ दिख रहा है. फिर भी मेरा मानना है कि यह एक अवसर भी है जब हम समकालीन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को और भी बढ़ावा देना चाहिए. आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है. माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है. परंतु अब स्थिति और भी जल्दी बदल रही है. आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं, कौशल के और सरल प्रवासन यानी इजी माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती रही हैं. वास्तव में ज्ञान व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ विश्व को प्रतिभा दैट इज टैलेंट की बढ़ती मांग के लिए तैयार होना ही होगा. हम में से कई लोग विदेशी परिवेश से पहले भी जुड़े रहे हैं, आगे भी रहेंगे, वहाँ काम भी करेंगे, हो सकता है कि घर भी बसाएंगे. ऐसे में ये जरूरी है कि उन लोगों की पहचान और विरासत पर ध्यान दें जो अपने मूल संस्कृति से दूर हैं. और इन मुद्दों पर बल देने के लिए भाषा को केंद्रित करना एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति से कहीं बढ़कर है. यह सचमुच में संस्कृति का एक प्रकटीकरण है. हम सभी को यह भी समझना होगा कि वैश्वीकरण का मतलब एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि विश्व की विविधता को स्वीकार करने से ही हमें इसका पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे, लाभ उठाएंगे. सोचिए इसके बारे में. लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का यही वास्तविक अर्थ है. हिंदी भाषा को प्रदर्शित करने वाले सम्मेलन इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है. हमारा समारोह प्रकट करता है कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है. जब भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए यह अच्छा ही तो है. पिछले 75 वर्षों में विश्व भर में हुई परिवर्तन का आकलन करते हुए हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक पुनर्संतुलन रीबैलेंसिंग
हो रहा है। यह होना ही था क्योंकि अधिक से अधिक देशों ने इस युग में स्वतंत्रता प्राप्त की है। प्रारंभ में इसका स्वरूप ज़्यादा आर्थिक था, लेकिन जल्दी ही इसका राजनीतिक पहलू भी सामने आने लग गए। इस प्रवृत्ति से धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता माने मल्टीपोलैरिटी बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर इसका तेजी से विकास करना है तो आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन कल्चरल रीबैलेंसिंग भी हो। वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था, माने the era when we equated progress and modernity with westernization is behind us। ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो कॉलोनियल युग के दौरान दबा दी गई थी एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज़ उठा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृतियों और समाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो, और इसीलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत ज़रूरी है। यह सम्मेलन ऐसे ही विचारों को साझा करने का उपयुक्त मंच है, और हमें सोचना होगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है, हम कितने सफल हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं। अनुभवों और व्यवहारिक समाधानों के द्वारा हम ज़्यादा ऊर्जा से प्रचार सुनिश्चित तो कर सकते हैं, साथ ही ज़मीन से जुड़े हुए समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूं कि ये अपेक्षा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाषा और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम उन लोगों को विश्व हिंदी सम्मान प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इन लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण योगदान दिया है। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और उनकी उपलब्धियां हमारे प्रयासों को और बल देगी। मैं इस सम्मेलन के आयोजन में फिजी सरकार के सहयोग की हृदय से सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने यह सहयोग न केवल व्यवस्थाओं में बल्कि हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति के प्रति उनकी व्यापक समझ से भी प्रदर्शित किया है। गिरमिटिया दिवस का आयोजन भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसमें संस्कृति का गहरा प्रभाव भी है। ऐसे निर्णय हमारे आपसी सम्मान और समझ की भावना को व्यक्त करते हैं, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप अप्रिसिएशन टू द गवर्नमेंट ऑफ फिजी for their support in holding this conference. This support is expressed not only in arrangements, but in the larger appreciation that they are showing to Hindi language and our culture. Significantly, the holding of Girmitiya Day is also a decision that has strong cultural resonance. Such steps express our sense of mutual respect and understanding. They have a deep impact on strengthening international cooperation. भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिया है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अब हमें अगले 25 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम अमृतकाल कहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम
एक नए भारत न्यू इंडिया का निर्माण होता देख रहे हैं। यह ऐसा भारत है जो बड़े से बड़े दायित्वों का निर्वहन करेगा और वैश्विक एजेंडा को आकार देगा। यह दुनिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पूरा पालन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय योगदान और महत्वपूर्ण होगा और इस संदर्भ में भाषा और संस्कृति की और भी ज़्यादा अहमियत होगी। ये आयोजन एक कल्चरल ब्रिज है। महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे कहा कि यह एक सेलिब्रेशन उत्सव है जो घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। तो मैं अंत में आप सभी का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। विनाका जय हिंद। माननीय मंत्री जी, आपने हिंदी के विकास एवं इसमें अवसर के बारे में बात की, भाषा की सार्थकता को प्रतिपादित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आसीन फिजी गणराज्य की सरकार के राष्ट्रपति महामहिम माननीय रातो विलियम कातुनेवेरे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। मे आई नाउ टेक द प्रिवलेज टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी हिज एक्सीलेंसी रातो विलियम कातुनेवेरे टू एड्रेस द गैदरिंग ऑन द ओकेजन। प्लीज सर। द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया Honorable Dr. Shri Subramani Jaishankar, Honorable Members of the Delegation of the Government of India, Excellencies, Distinguished Delegates and Representatives, Ladies and Gentlemen, Nisambul Vinaka and Namaste. It gives me great pleasure to join you this morning at the 12th World Hindi Conference, the first such conference for Fiji to host. I wish to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which this conference is being hosted, the Wunonandi, Turana Tinandi, and I pay my respects to the elders for the past and the present. On behalf of the people of the government and the people of Fiji, I extend my warmest welcome to you and our distinguished delegates and guests who have traveled far to attend this important forum convened for the first time in Fiji, the Pacific and the Southern Hemisphere. At the outset, I acknowledge the effort of the Government of India in co-hosting with the Government of Fiji this important conference. This forum presents a unique opportunity to celebrate the enduring strength of the historical and special relationship Fiji shares with India. Our relationships can be traced back to our shared colonial heritage as a result of evolving colonial policies on economic development between 1879 and 1916, around 60,000 Indians were brought to Fiji under the indentured system to work on sugarcane plantations. With the abolition of the indentured system in 1920, some had chosen to remain in Fiji whilst others returned to India. Those that have stayed in Fiji now call Fiji their home and have contributed immensely to the socio-economic development of modern Fiji. Presently, Fiji population comprises of 62% of Itauke people, 34.2% of Fijian of Indian descent, and 3.8% of other races. Our cultural diversity has presented us with the privilege to hear and learn many languages spoken in Fiji, experiencing fascinating festivals and religious events throughout the year, listening to a variety of music, enjoy different culinary experience, and witness unique cultural rites of passage accorded by different ethnic communities that make up Fiji. When it comes to entertainment, Bollywood movies are the favorite Fijians love to watch.
Bollywood films accompany sing-alongs, laughter, and dance. Language plays a pivotal role in preserving culture as it is established a distinctive linguistic identity that brings a feeling of belonging, mutual respect, and trust in each other. Many of the distinguished participants to this conference are members of the diasporas that live outside India, with cultural links to India. They are testament to the fact that Hindi spoken outside of India is a motivation to keep their cultural roots alive. Importantly, the interest of the future generations in their ancestral home depends on the type of linguistic heredity passed on to them. Excellencies, the theme of this year's conference, Hindi, traditional knowledge to artificial excellence, intelligence, I'm sorry, speaks to the importance of preserving culture and language to adapt to the realities of the 21st century. In 2022, the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, projected that around 3,000 languages could disappear before the end of the century. Most languages became endangered or are lost in various reasons. Some speakers have disappeared or shifted to another language, usually the main language of a dominant group. The loss and endangerment of language has been attributed to the advance in modern technology. However, modern technology and artificial intelligence, if used constructively, plays a pivotal role in preserving, advancing multilingualism, and supporting the diversity of languages. Artificial intelligence, through various forms, can facilitate both the preservation of endangered languages and deciphering ancient texts in ancient languages. This century is experiencing a technology, artificial intelligence, and social media revolution. It is an opportunity to reinforce our development rather than as a barrier. The preservation of our language must be a whole-of-society approach. As government sets policy direction, we rely on our partners in civil societies, the communities, families, religious groups, and schools to work collaboratively to preserve our language, our diversity, and culture. Your Excellencies, the 3 days program will be very fruitful and productive in an interesting agenda. I am confident that you will have much to discuss on the theme Hindi, traditional knowledge to artificial intelligence, in the hope that we will develop a partnership on common issues of priority and lessons to learn from past experiences in our countries. Distinguished participants, I wish you well in your stay in Fiji, and I hope that you will enjoy the Fijian hospitality, the diversity of our culture and language, and that will create lasting memories. I have much pleasure in declaring the 12th World Hindi Conference officially open. May the Almighty God bless us all. Nagwalewu, thank you, and dhanabad. Vinaka Vakolewu, bahut bahut dhanyavad, sir. ये बहुत बड़ी बात है कि कुल 57 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति के पद से सुशोभित हैं, और इसकी बात शायद इसलिए है कि आप इतने लोकप्रिय नेता हैं, ज़मीन से इतने जुड़े हुए, मानवीय भावनाओं से इतना सरोकार रखने वाले कि विपक्षी लोग भी आपको अपना मतदान करके राष्ट्रपति पद पर आपको सुशोभित किया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी क्रम में देवी और सज्जनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी याददाश्त हमेशा बनी रहे, जो स्मृति है हमेशा बनी रहे, इसके लिए जो मेज़बान देश है और भारत देश दोनों मिलकर के आज के दिन एक डाक टिकट को जारी करते हैं. तो इस अवसर पर आज संयुक्त रूप से ये जो डाक टिकट जारी किया जा रहा है, मे आई टेक द ऑनर टू रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ फिजी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर of External Affairs of India to jointly release the postage stamp to commemorate the occasion.
ये डाक टिकट इसी प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ आप 30% की छूट पर आज खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी बता देना चाहूँगी कि केवल प्रारंभ के 200 जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो उन्हें खरीदेंगे उन्हें ही इस छूट का लाभ मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूँगी कि एक एक करके हमारे पास 6 स्मारिका और पुस्तकें हैं जिनका विमोचन किया जाना है। इसी क्रम में सबसे पहले सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। आप दोनों गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि स्मारिका का विमोचन करें। स्मारिका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए प्रकाशित की जाने वाली विशेष पत्रिका है। इसमें हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले विदेश के विद्वानों से लेख आमंत्रित किए जाते हैं और उन्हें इसमें संकलित किया जाता है। इनके प्रधान संपादक प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी हैं। इसी क्रम में जो दूसरी पत्रिका हमारे पास है वो फिजी का हिंदी साहित्य एक संचयन। यह अपने आप में एक ऐसा अनूठा संचयन है जिसमें हिंदी के लगभग सभी ऐसे लेखक जो फिजी में रहते हुए हिंदी में काम कर रहे हैं और हिंदी में लेखन कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं और उनसे संबंधित जानकारी से इस समृद्ध किया गया है। इसकी संपादक हैं सुभाषिनी लता जी और सह संपादक श्यामला और रोहिणी कुमार जी हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस हर वर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी साहित्य का वार्षिक अंश निकालता है जिसमें विश्व में हो रही हिंदी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इस वर्ष की विश्व हिंदी साहित्य में भी समस्त विश्व के हिंदी भाषा से संबंधित विषयों पर शोधात्मक लेख प्रकाशित किए गए हैं। बहुत ही अच्छी पत्रिका है ये। विश्व हिंदी साहित्य का विमोचन हो रहा है। हमारे सामने है विश्व हिंदी साहित्य जिसकी मुख्य संपादक है डॉक्टर माधुरी रामधारी। और अब हम वापस चलते हैं भारत की ओर। भारत का राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत की हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लगातार प्रचार और प्रसार के लिए कार्यरत रहता है, कटिबद्ध रहता है और उसी के तहत राजभाषा भारती का प्रकाशन किया जाता है। इस बार जो इसका विशेषांक है जो विश्व हिंदी सम्मेलन पर ही केंद्रित है उसका लोकार्पण यहाँ किया जाएगा और इसके संपादक हैं डॉक्टर धनेश द्विवेदी। इसी क्रम में गगनांचल का अब लोकार्पण होगा। गगनांचल के प्रथम संपादक एवं संस्थापक भारत रत्न प्रखर कवि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुई थी। गगनांचल आज 45 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। वर्तमान में इसके संपादक आशीष कंधवे जी हैं।
गंगांचल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली हिंदी की द्विमासिक पत्रिका है। यह साहित्य, कला एवं संस्कृति का अनूठा संगम है। समूचे विश्व में लोकप्रिय पत्रिका गगनांचल हमारी आंखों के सामने है। विभिन्न देशों के लेखक इस पत्रिका में शामिल होते हैं और हिंदी के साथ उनका संवाद बना रहता है। और अब जो छठे क्रम में अंतिम पत्रिका हमारे बीच में है, वह है हिंदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की आरंभिका के नाम से। यह एक भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है और उन सभी व्यक्तियों के लिए आरंभिक पाठ्यक्रम तैयार करती है जो हिंदी सीखना चाहते हैं, जिनकी प्रथम भाषा या मातृभाषा हिंदी नहीं है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से वे विभिन्न स्थितियों में हिंदी में सामान्य वार्तालाप सीख सकते हैं और भारत के रहन सहन और संस्कृति की भी एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। भारत और विदेश में रहने वाले अहिंदी भाषी लोगों का हिंदी का प्राथमिक ज्ञान प्रदान करने के लिए यह एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथियों का। देवियों और सज्जनों, अब कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। उद्घाटन समारोह के अंतिम चरण में मैं इसी क्रम में स्थायी सचिव तिमोगी बूरे जी से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिजी, हिज एक्सलेंसी रतु विलियामे कतुनिवेरे, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर इंडिया हॉनरेबल डॉक्टर सुब्रमण्यन जयशंकर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट Honorable Professor Biman Prasad, the Minister for Education in the Coalition Government, Honorable Asiri Randonro, Honorable Cabinet Ministers of the Coalition Government, the High Commissioner of India to Fiji, His Excellency Kathy Garian, distinguished guests from around the globe, government officials, Turangana Tuinandi, members of the Diplomatic Corps, conference participants, media representatives, ladies and gentlemen. It is me profound pleasure and honor to extend our utmost thanks and appreciation at this prestigious event as we have just witnessed the official opening of the 12th World Hindi Conference. Ladies and gentlemen, Fiji is truly honored to have been chosen as a host for this momentous event that has strengthened the bilateral relationship between Fiji and India, who share a rich history of social, economic, and political development together. Today, as we propose the vote of thanks, I would like to firstly thank His Excellency, the President of Fiji, Ratu Wiliame Katuniwere, for honoring the invitation to grace this auspicious occasion. Your Excellency, this is a great testimony of your vision in ensuring that language, culture, and tradition of the descendants of the Girmitians exist in harmony with that of their fellow Fijians and the many other cultural groups of people who call Fiji their home. Thank you, His Excellency, for your statesmanship and the camaraderie you have displayed with your presence today. Ladies and gentlemen, I also wish to take this opportunity to
to thank the External Affairs Minister of India, Dr. Subramaniam Jaishankar, for your presence for this event and sharing your vision on the importance of the Hindi language, culture, and traditions. Your presence in Fiji shows the commitment of the Government of India towards this conference, more so a true testimony of the strong bilateral relationship between Fiji and India. Your Excellency, Dr. Subramaniam, our fellow children of Girmitians, together with our chiefs and the descendants, have worked tirelessly to build this home we all call Fiji, sharing our values, our culture, and tradition with love, humility, and understanding. As such, I wish you all a fruitful and wonderful 3 days conferencing. Vinagabolevu and Danyavad. Thank you so much, sir, for your precious words. अगर मैं पूरे इस आज के उद्घाटन सत्र को दो बिंदुओं में रखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि पहली बात कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ पार्टिसिपेशन, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस विच वी विल कैरी फॉर एवर, और दूसरी बात कि ये जो मिलन है, ये जो सम्मेलन है, ये अपने आप में दो संस्कृतियों का समागम है। ये हमारे बीच की संबंधों की घनिष्ठता है जो हमेशा बनी रहेगी, हमारे बीच की एक ऊष्मा है संबंधों की जो हमेशा हमें पुलकित करती रहेगी, आनंदित करती रहेगी। उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर हम एक विराम लेते हैं।